when Gagan came to me with the script, I mean, when I read it, I found it very interesting. और उसको ये था कि मैम मैं चाहता हूँ कि आप ही ये रोल करो. मैंने पूछा मेरे पति कौन है. सो मनु और हमने पहले काम तो इकट्ठा नहीं किया था. कटे नहीं पर मिलते रहते एक दो बार मिले थे है ना. सो जब मनु पतले थे मुझे इनके ऊपर क्रश था. ये मैं आज बता रही हूँ. मैं पतला हो जाता हूँ चलो. सो बस ऐसे ही हुआ. फिर बाकी और कास्ट जुड़ती गई. थिंग्स जस्ट केप्ट हैपनिंग एंड then we made this beautiful film. You know, shooting in Delhi was amazing. सर्दियों के दिन थे, ठंड का टाइम था, हॉक करते थे, शूटिंग करते थे, छोले भी खा लेते थे. Yeah, so it was a lot of fun. और माही खाती थी थोड़ा सा. She very health conscious, no? थोड़ा सा खाती थी. मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे नरेशन मिली और दूसरा मैंने कहा पत्नी का कौन रोल करें. माही गिल मैंने करो. स्क्रिप्ट अच्छी थी. डायरेक्टर के साथ मैंने पहले काम किया हुआ था. आई डिड दिस फिल्म कॉल्ड व्हाट द फिश. गुरु एक डायरेक्टर जिन्होंने मिर्जापुर डायरेक्ट किए. तो पुरी साहब हमारे उनको असिस्ट कर रहे थे. तो तब से हम मिलते तो रहते ही थे. तो एक दो चॉइसेस के बाद मैं फंस गया उनके जाले में. नो फर्स्ट आई पर्सनली बिकॉज आई राइट ऑल्सो आई गिव रिस्पेक्ट टू अ स्टोरी. Yeah, it's a story very important. That emotion which by which I can feel human intention kya hai director ki storyteller ki. To uske baad script is a technical part, you know. Wo to acha hota hi hai jab aapki soch achhi hoti hai aur aapki pehli film hoti hai. Aap zyada mehnat karte hain to script apne aap behtar hoti chali jati hai. Fir uske baad gaya character because I have to perform, you know. Aur isme main sach bataun to हम जो बातें किया करते थे आपस में तो मैं शायद करीब हूँ भी. मैं खुद अपने में मैं एक एक, एक बाप हूँ, एक पिता हूँ, बच्चे हैं, शरारती हैं. माय डॉटर इज लाइक शी 17 ईयर ओल्ड. तो मैं काफ़ी करीब था इन चीज़ों के. और माँ और बेटे का एक इमोशन जो है वो हमेशा इतना यूनिवर्सल, इतना करेक्ट होता है कि आप हमेशा इमोशनली कन्विंस ही रहते हैं कि ये तो हम कर ही देंगे. क्योंकि ह्यूमन फील भी है ना कि हर बच्चे को अपनी माँ से एक अलग किस्म का लगाव होता है. तो ये माँ और बेटी की कहानी है. बेटा क्या क्या कर रहा है, बेटे का परिवार क्या क्या कर रहा है. तो दैट इज इवन इफ आई डिडंट हैव अ चाइल्ड मैं कर लेती. इट्स नॉट लाइक दैट. आई हैव प्लेड अ मदर अर्लियर ऑल्सो. सी इट्स जस्ट दैट यू नो फॉर मी द स्क्रिप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा स्क्रिप्ट अच्छी है देन ऑब्वियसली योर कैरेक्टर इन द फिल्म वो कैसा है. एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर. What the director wants. So, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे मैं मुझे 16 साल की उम्र का करवा लीजिए रोल, चाहे 25 साल के 80 साल का करवा लीजिए रोल. इट्स अबाउट किस कन्विक्शन के साथ आप वो करते हैं. डजेंट मैटर हाउ ओल्ड यू आर और आपके इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कैसा आप उसको परफॉर्म करते हैं. यू जस्ट नीड टू दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर डायरेक्टर व्हाट ही वांट्स बेसिकली. उस उनका पूरा वो एक होता है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेरे लिए इट वॉज अ फन फिल्म. You know, for me, in the sense कि after doing all Sai Bibi gangsters and all these films, so मुझे था कि अब एक दौर आया है where you are getting different kind of stuff and you can choose. And मुझे लगा कि मैंने comedy नहीं किया था काफ़ी time से और एक it's a comedy, you know. तो और interesting है बच्चों के साथ relationship बहुत interesting है. with the husband it's very interesting. So with the mother-in-law. तो ये काफ़ी एक पूरा एक जो कहते हैं ना कि एक प्यारी सी घरेलू फिल्म जिसको बोलते हैं उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है. और मेरे लिए पर्सनली ये स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय कैरेक्टर दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाली जो माही है फनी और सिंपल, यू नो. बाकी तो हमने माही को जैसे देखा है मतलब ना एज एन ऑडियंस. पर ये वाली माही का लॉन्च मेरे साथ है. मेरे को बड़ी खुशी होती है. हां बिल्कुल ही हटके बिल्कुल कॉमेडी और कॉमेडी भी और एक और साइड जो माही में हमेशा रही होगी. एक्सप्लोर कम हुई और वो स्क्रीन पे भी दिखेगी आप. एंड इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस तरह की ये लैंग्वेज है इन द सेंस व्हाट वी द वे वी स्पीकिंग वो आफ्टर देवडी मैंने अब बोला है करेक्ट. दैट जो उसका डायलेक्ट है और जिस तरह से वो पंजाबी के. आई एम फ्रॉम पंजाब एंड फ्रॉम चंडीगढ़. तो मुझे वो करने में बहुत मजा है बिकॉज बहुत टाइम से मैं यूपी की भाषा बोल रही थी. वो भी वो उसमें अपना मजा था. लेकिन आफ्टर देवडी जिस तरह की वो भाषा में बोल रही हूँ अब मुझे आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू डू इट. सो दैट वाज फन. मैं सच बताऊं तो मैं तो अभी तक
अपने कंफर्ट जोन में ही हूँ. जैसे माही को कुछ अलग मिला है, अभी तक मुझे उतना अलग नहीं मिला. मतलब इतना अलग भी होना तो मेरे लिए मेरा आई थिंक फिजिकैलिटी भी होती है एक एक्टर की, तो उसके हिसाब से मुझे अभी तक जो मिल रहा है मैं अपने कंफर्ट जोन में ही कर रहा हूँ. मुझे अभी भी लगता है कि मैंने शायद एक्टिंग अभी तक की ही नहीं. मैं जितने भी किरदार या कैरेक्टर्स निभाए वो मुझे मेरी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही डायरेक्टर्स ने या कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मुझे कास्ट किया. तो स्टिल आई एम वेटिंग कि मेरा अनकंफर्टेबल जोन क्या होगा. आई हैव प्लेड अ गैंगस्टर आल्सो, आई प्लेड अ कॉप आल्सो, बट गैंगस्टर आल्सो वेरी वल्नरेबल, वो भी बहुत ही वल्नरेबल इनोसेंट सा. या इन फर्स्ट गेयर ओबामा आई वाज अ किडनैपर, यू नो, पर वो वैसे ही प्यारा सा किडनैपर था जैसा मैं हूँ. कॉप भी था एक फिल्म में, लाइफ की तो लग गई, तो उसमें भी मैं प्यारा सा कॉप था. तो इसमें भी मैं उसी के प्यारा सा पप्पा है. तो अभी मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर करना कि मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल लाइन पे जाऊँ, जहाँ एज एन एक्टर जो मेरी थिएटर में प्रोसेस थी उसमें मैंने ज़्यादा विपरीत रोल किए थे अपनी पर्सनैलिटी से, अभी तक मुझे नहीं मिला. तो आई एम एंजॉइंग माई कम्फर्ट जोन, अर्निंग गुड मनी ऑल्सो, यू नो. ठीक है, व्हाट एल्स? नॉट बैड, नो. आप कम्फर्टेबल भी हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, इससे बढ़िया चीज़ क्या होती है? आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट वे. हर तरह के रोल्स करने को मिल गए हैं, काफ़ी मिल गए हैं. एक्शन ही अभी तक किया प्रॉपरली, तो आई थिंक किया तो है. कौन किया एक्शन? किसमें किया? फिल्म में कैमरे के पीछे इसने जितनी हमारी पिटाई लगाई है सबकी, डायरेक्टर समेत. प्रोड्यूसर ही सेट पे नहीं आया. पीछे से एक्शन कर लेती हूँ लेकिन सामने कैमरे के साथ. बट यस, आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड, आई वर्क विद गुड डायरेक्टर्स एंड गुड एक्टर्स, को एक्टर्स, तो दैट आई बीन ब्लेस्ड. एंड अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने को मिल भी गए हैं. और अभी विद द कमिंग ऑफ वेब सीरीज ऑल्सो, आई थिंक लॉट ऑफ things have changed now. So last year I think there were four the series and including film that released, so I think sab mein alag alag tha, which was like really interesting. So abhi bhi ye hai, you know, fir ek comedy role hai plus emotional hai, then the other stuff coming up jisme alag hai bilkul. So that I think I'm lucky and I'm happy, I'm very content basically. Lallu hai, प्यारी सी है, गुस्सैल है, झगड़े ज्यादा करती है. और फालतू की बातें बोलते हो. मैं ही फालतू बोलता हूँ? क्या फालतू बोलना है? अब शादी हो गई, स्वागत हो गई, तो आदमी बोलेगा तो सही ना कि स्वागत वाली चीजें कर लो, उठा के जूती मार दीजिए. मतलब इरिटेटिंग, ट्रस्ट मी, बहुत इरिटेटिंग. मैं इरिटेटिंग हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आना भी बाद में डिवोर्स की बात करता हूँ. इसका मतलब मैं देना नहीं चाह रहा. कहती है मैं कोई चंदा लेने नहीं आई. ट्रेलर देखा आपने? कहती है मैं चंदा लेने नहीं आई. बताओ, मैं तो इंटरव्यू भी आ गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत इरिटेटिंग है. अच्छा, मैं इरिटेटिंग? ओ हो हो हो. हमने, मैं तो इस साल मिलूंगी. हाँ, आपको मिलूंगी. मतलब आपसे, हम दोनों? हाँ. या मैं अकेला? अकेले मिलते रहेंगे यार, काफी काम है. प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है कि हमें प्रमोशन में कितना आगे डालते हैं, हम मिलते रहेंगे. इन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट सुनाई थी, अब तो कुछ किया नहीं उसके नहीं, बारे नहीं, में. मैं उसी के लिए आने वाला था. कब? कि क्या होता है कि कब? मैं आपको बोलना ही ये चाह रहा हूँ कि मैं मिलना चाहता हूँ. जो फिलोसफी है, जो फिल्म की जो एक अंदर इंटरनल होता है, वो अपने एक्टर के साथ शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है. अगर वहां से हाँ मिलता है ना, तो फिर हम ढूंढना शुरू करते हैं प्रोड्यूसर से. बट सो नाइस ऑफ हर, मैंने जब वन लाइनर सुनाया था तो मुझे माही ने बोला था कि बड़ी प्रोड्यूसर है, मैं आप मिल लो बेशक. और ये भी बोला था मैं हूँ या नहीं हूँ पर ये फिल्म बननी चाहिए, यू नो. तो एक दोस्ती तो अच्छी हो ही गई, नहीं तो एज एन एक्टर अपने आप को पीछे रख के ये बात बोलना. बट उसका रीज़न था कि मैंने माही को मौका मिलते ही वो कहानी क्यों सुनाई. एंड मैं कैमरे में बोल रहा हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि वो स्क्रिप्ट इस साल इनके दिल तक पहुँचे और प्रोड्यूसर्स की जेब तक पहुँचे, ताकि वो निकल के बाहर. या बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखी है इन्होंने, बहुत ज्यादा अच्छी है. और लड़कियों के लिए फिल्म है तो है कुछ मजेदार उसके अंदर. के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बट यस, दुर्गावती कर रही हूँ. और अभी तो फिलहाल आई थिंक ये फिल्म के पीछे हाथ धो कर पड़े हुए हैं दूरदर्शन के पीछे, कि लोग जाकर देखें इसको, बहुत ही प्यारी सी फिल्म. But that is what script is, no? कि from trailer ये पता चला भी होगा कि माँ अचानक इस दुनिया में उठी है, एक दुनिया छोड़ के, एक time छोड़ के.
तो उनको तकलीफ ना हो, वो शॉक ना हो, उसके लिए पूरा परिवार उनका समय क्रिएट कर रहा है. तो आज अगर हमें पुरानी घड़ी भी ढूंढनी पड़ जाए तो ही मिलना मुश्किल हो जाए. तो पूरा वक्त हम क्रिएट कर रहे हैं जो अपने में एक इमोशनल और फनी और ह्यूमरस जर्नी, और नॉस्टैल्जिक भी था. यू नो सीइंग वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज, एंड यू नो हम बहुत लकी हैं. यू नो मनु, मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम ऐसी जनरेशन है जिन लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से, कैसेट से, सीडी से सब कुछ देखा है हमने. करेक्ट. यू नो अगर देखा जाए, करेक्ट, आगे वाली जनरेशन ने कुछ नहीं ऐसा देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा, नहीं पता होगा. हम लोगों ने उस टाइम से इस टाइम का दौर, हमने थप्पड़ मार मार के टीवी चलाए हैं. मतलब रुक जाते थे ना तो एक थप्पड़ मारते थे और टीवी अपने आप चलता था. आई रिमेंबर द एंटीना, एंटीना ला दो साइड पे कर दो. सो डायरेक्टर आई थिंक हैज वर्क्ड हार्ड. You know, yes. उसने he's a young guy. He's I think 31, 32 year old boy. तो उस एरा में पहुँच कर उसका रिसर्च, उसका लिखने का अंदाज, उसका तरीका बहुत मज़ेदार था यार. अच्छा लगा फिल्म को करके. इसीलिए मतलब एक छोटी सी प्यारी सी फिल्म है, आपके चैनल की तरफ से हम भी चाहेंगे कि लोग देखें, आपको अपनी लगेगी ये फिल्म. जिन लोगों ने ये टाइम देखा हुआ है उनको तो बहुत एक्साइट करेगा. बिकॉज जैसे मैं एंटीना की बात कर रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर हमारे घर में भी ऊपर कोठी में ऊपर छत पे एंटीना, तो मम्मा ने बोला भाई को जाओ याद थोड़ा सा देख के थोड़ी सी न्यूज आ जाइए वो. सो आई थिंक हम लोग रिलेट कर रहे थे उस चीज़ के साथ, और वो बातें करते थे बैठ कर पुरानी. एंड डॉली आलू वाले मैम इज प्लेइंग दी हिज मदर, तो उनके साथ भी आई मीन आई उनको जान के बहुत टाइम से, इज एन अमेजिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड अमेजिंग एक्टर. तो आई थिंक इट वॉज जस्ट की एक मिश्रण था सबका, बहुत ही इवन द किड्स जो हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा रोल किया है. इतने छोटे भी बच्चे नहीं है. हाँ, मैं तो लग रहा था छोटे हाँ, बच्चे आएंगे, लोगों ने मुझे धोखा दिया. माई को लग रहा था छोटे, डिप्रेशन हो मैंने, गया मेरा तो ठीक है, मेरी तो बेटी के तू देख ले. मैंने कहा मुझे लगा था छोटे-छोटे बच्चों की ये क्या, बट दे वर अमेजिंग. वी हैड अ ब्लास्ट. स्टोरी कास्ट मनु, माही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, और आपकी अपनी फिल्म, आपका अपना दूरदर्शन था, है, रहेगा, ये सबसे बड़ा रीजन है. और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, थप्पड़ मारना टीवी को, एंटीना ठीक करना, आई थिंक ये रीजन दिख रही है. और बहुत बहुत ना एक अजीब सा माहौल है इस समय, मतलब देखा जाए ना पूरी हिंदुस्तान में, तो थोड़ा सा समय निकाल के आप देख लोगे ना तो हंस लोगे, तो हंसने से ताकत आएगी, उस माहौल से लड़ने की भी ताकत आएगी. चेहरे पे स्माइल तो रहेगी ना, चेहरे पर स्माइल रहेगी, ज्यादा हंसी आ जाएगी. या प्लीज वॉच दूरदर्शन ऑन 28th ऑफ फरवरी. प्लीज वॉच दूरदर्शन ऑन 28th ऑफ फरवरी एंड प्लीज प्लीज गो एंड वॉच और फैमिली के साथ. और फैमिली के साथ पूरी पूर्ण पारिवारिक फिल्म है. हाय दिस इज माही गिल. हाय दिस इज मनु ऋषि. यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड बबल.